हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी। तो फ्रेंड्स, ये सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में फ्रेंड्स रेबड़ी हो गई या फिर फ्रेंड्स कहें, तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैसे बनाए गुड़ वाले लड्डू सर्दियों में। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको ये लड्डू बनाने हैं। फ्रेंड्स, गुड़ में बहुत ही ज्यादा आयरन होता है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो सर्दियों में हम कैसे बनाकर खाएं इतने टेस्टी लड्डू, तो चलिए फ्रेंड्स रेसिपी स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, लोहड़ी आ रही है और संक्रांत भी आ रही है, तो चलिए फ्रेंड्स उसके लिए हम कैसे तैयारी करें पहले से पहले, तो चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमें दो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो दो इंग्रेडिएंट्स देखिए फ्रेंड्स ये हैं, और फ्रेंड्स इसे आप लाई भी कह सकते हैं या आप मुरमुरे भी कह सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लिए हैं, देखिए आप ये मग देख रहे हैं, ये मैंने तीन मग मैंने ये लाई ली है मुरमुरे। और उसके बाद फ्रेंड्स इसका ही मेजरमेंट देखिए, इसका आपको लेना है हाफ। तो मैंने देखिए इसमें लिया है डेढ़ कप के आसपास ये गुड़ लिया है। फ्रेंड्स, गुड़ में बहुत ही ज्यादा आयरन होता है, तो ये सेहत के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। और फ्रेंड्स वैसे भी फ्रेंड्स लोहड़ी आ रही है, संक्रांत आ रही है, तो फ्रेंड्स ये लड्डू वगैरह झटपट से बनाइए। फ्रेंड्स ये बहुत झटपट से बनकर के तैयार हो जाते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं एक कढ़ाई, और कढ़ाई में फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि जो हमने ये मुरमुरे लिए हैं इनको हमें करना है ड्राई रोस्ट हल्का सा, ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और जो हमारे लड्डू हैं वो बहुत अच्छे से बन करके तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स इसको तो कर लेते हैं हम ड्राई रोस्ट हल्का सा, तो आप हाई फ्लेम ना करके फ्रेंड्स लो फ्लेम पे रखिएगा, ताकि आपके जो मुरमुरे हैं ये जले नहीं नीचे से और अच्छे से रोस्ट हो जाए। फ्रेंड्स इसमें ज्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा, सिर्फ दो मिनट में आपके ये मुरमुरे जो है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो आप हल्का सा कढ़ाई में इसको, तो देखिए फ्रेंड्स हमारे मुरमुरे हो गए हैं रेडी, तो हम इनको निकाल लेते हैं। मैं डाल दूंगी अब ये गुड़, और गुड़ को हमें होने देना है अच्छे से मैश। फ्रेंड्स इसमें डालेंगे हम एक चम्मच की घी से ही। फ्रेंड्स हमारा जो ये इसमें जो शाइनिंग आएगी लड्डुओं में वो घी से ही आएगी, तो हमें एक चम्मच घी इसमें ऐड करना है और अच्छे से अब हम इसको भूनेंगे अपने गुड़ को इसमें। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपके लड्डुओं में बहुत ही अच्छे से शाइनिंग आएगी। है और अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब जो भी प्रोसेस करना है वो फ्रेंड्स ये प्रोसेस हमें बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, ये बात का जो प्रोसेस है। तो देखिए फ्रेंड्स अब अच्छे से देखिए ये हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे अपने मुरमुरों को और अच्छे से हमें इनको करना है जल्दी जल्दी मिक्स। एक साथ आपको डालना है, थोड़े थोड़े करके आपको नहीं डालना है, वरना आपका गुड़ कहीं रह जाएगा और कहीं पर नहीं रहेगा, ऐसा हो जाएगा। तो आपके जो लड्डू है वो अच्छे से बनकर तैयार होंगे, तो आप अच्छे से इनको मिला दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे कहीं पर भी देखिए, ऐसा नहीं है कि कहीं पर गुड़ है और कहीं पर नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स इसी स्टेज पर हमें क्या करना है, इसको उतार लेना है और अच्छे से हमें लड्डू बनाने हैं इसके। तो देखिए फ्रेंड्स एक बाउल में मैंने ले लिया है पानी। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि हमें अपने लड्डू को छिटके से तैयार करना है, तो आप थोड़ा सा ही लीजिए पानी हाथों पर, ताकि हमारे हाथ जो है वो जले नहीं, और थोड़ा थोड़ा सा फ्रेंड्स ये लेकर आप लड्डू की शेप दे दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स जितने भी बड़े आपको लड्डू बनाने हैं आप उतने बड़े लड्डू बना लीजिए।
जी फ्रेंड्स, हमारे लड्डू बनकर के तैयार हैं। लाई के लड्डू या फिर आप कह सकते हैं मुरमुरे के लड्डू। आप चाहे तो इन्हें बनाइए फ्रेंड्स संक्रांत पर, और चाहे तो लोहड़ी पर। और फ्रेंड्स खाने में तो ये फ्रेंड्स लाजवाब होते हैं, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं। अगर फ्रेंड्स सर्दियों में इन्हें नहीं खाया तो फिर कुछ नहीं खाया। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने अच्छे लड्डू आपके देखिए हमारे बन करके तैयार हैं। और देखिए फ्रेंड्स, एक भी दाना ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हमारा जो गुड़ है वो ना हो। देखिए बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बन करके तैयार हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी अच्छी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपको मेरी अच्छी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।